हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए साइंस का मॉडल पेपर वन को ला चुके हैं और आज के इस वीडियो के माध्यम से मॉडल पेपर वन का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट साइंस का A to Z एनालिसिस और फुल इसका सोल्यूशन भी मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, विजिट जरूर करना। और फ्रेंड्स, तरह तरह के मॉडल पेपर जो कि इस चैनल पे करवाया जाता है और जिन सब्जेक्ट का भी पेपर होना है, सबका यहाँ पे A to Z फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो मैं आप सभी के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। क्लास टेंथ बोर्ड परीक्षा 2022 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इसको भी A to Z सोल्यूशन कर यहाँ पे मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक ना। अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, यहाँ पे पूरा का पूरा A to Z इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और कक्षा 10 विज्ञान अब की बार 90% पार और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में बोर्ड परीक्षा 2022 में, सारे के सारा मैं यहाँ पे सेट करके यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। आप उन क्वेश्चनों को जा करके एक बार विजिट जरूर करना। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मॉडल पेपर वन का चीरहरण करने वाले हैं, ठीक ना। समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे A to Z इसका सोल्यूशन बताएंगे और किस तरीके से आपको उत्तर पुस्तक में लिखना है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूर्णांक समझ पा रहे हैं कि 70 नंबर का मिलता है, 30 नंबर अपने स्कूल से पाओगे। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है, 15 मिनट का पेपर पढ़ने का टाइम होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देश कई बार मैंने समझा रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और ये जो प्रश्न पत्र है 3 खंडों में विभाजित है, अ, ब और स, और प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी होगा जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न का एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ करें और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक ना। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो सभी के सामने उनका अंक अंकित किया गया है, ठीक ना, इस तरीके से। चलो हम आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और इसका खंड अ समझेंगे, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन को। उसके बाद हम समझेंगे केमिस्ट्री के और लास्ट में हम समझेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, 1 होता है। तो किसी भी समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा, छाया बनेगी, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, m का मान हमेशा 1 होगा। समतल दर्पण की बात बोला जा रहा है, ना कि उत्तल और ना कि अवतल, ठीक ना। देखो अगला क्वेश्चन कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग में होता है, तो बैगनी रंग में होता है, किस रंग में, बैगनी रंग में। चलो अगला क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपवर्तित रहता है, बढ़ता है या घट जाता है, या कभी बढ़ता है या कभी घट जाता है। तो देखो किसी भी चालक का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि वेबर किस राशि का मात्रक है, तो यह है आपकी चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक है, किसकी मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस ये जो क्वेश्चन है पेपर में आने के एकदम चांसेज है, जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इन सभी को अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में सेम टू सेम आपका पेपर ऐसा ही आएगा और इसी पैटर्न पे आएगा, इससे बाहर 1% भी नहीं आएगा। देखो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करिए, तो क्या होता है, F = R/2, क्या होता है, F = R/2। अब देखो अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, बताइए कि उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है, उत्तल लेंस। देखो उत्तल अगर दर्पण रहेगा तो दूर की चीज देखेगा, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस की बात की जा रही है, तो नज़दीक की वस्तु को देखेगा और नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की दिखाई नहीं देगी, तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, उस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, ठीक ना। क्यू का मान यहाँ पे दे रखा 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का मान सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, और यहाँ से आप निकाल सकते हो
चार्ज का मान, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण से, यहाँ पे देखो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। दर्पण की फोकस दूरी आप ये कर लीजिए या आप ये क्वेश्चन कर लीजिए अगला वाला। देखो एनालिसिस अभी आप कर लो, बोलोगे तो मैं इसका सोल्यूशन ला दूंगा, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप समझ लो और इसका सबका मैं बहुविकल्पी कराऊंगा और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन भी करवा दूंगा अभी आज की इस वीडियो के माध्यम से। मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य होता है, स्वस्थ मानव के लिए इनका मान ज्ञात करिए। देखो मनुष्य की आँख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, ठीक ना। अब देखो स्वस्थ मानव के लिए चाहे स्वस्थ आँख के लिए इनका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखो निकट बिंदु क्या होता है, जिन चीज़ों को आदमी अस्पष्ट तरीके से देख सकता है, ठीक ना, नज़दीक से निकट बिंदु, और दूर से उस वस्तु को अस्पष्ट देख सकता है वो आपका दूर बिंदु हो जाएगा। और इनका मान क्या होता है, निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु का मान होता है अनंत, समझ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन कि तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने से तार का ताप 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, यदि धारा का मान दोगुना कर दें तो उतने ही देर में तार का मान कितना बढ़ जाएगा, तार का ताप कितना बढ़ जाएगा, इसको बताना है। तो इसको मैं करवाऊंगा अगले आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से, लेकिन ये समझ लो कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या होता है। पेच जो आप स्क्रू खोलते हो, नट बोल्ट खोलते हो, उसी में क्या होता है, ये मैक्सवेल का कारक स्क्रू नियम लगता है, ठीक ना। और किरण आरेख के द्वारा समझाइए, सबसे पहले नियम को लिखना है उसके बाद इसका फिगर भी बनाना है, समझ गए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, एम बराबर, ठीक, तो वस्तु की लंबाई बटे में प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे करोगे कि रेखीय आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब के लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात होता है, रेशियो होता है, ठीक ना। और गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के सूत्र इतना को स्थापित करिए, आप आसानी से कर लोगे। अगर नहीं आएगा तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ को के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा, शेयर करना होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में इस वीडियो को लाइक कर लो। आप सब लाइक करना भूल जाते हो, तो एक बार लाइक ठोक दो, सभी लोग अभी ठोक दो, लाइक करने में क्या जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की व्याख्या करिए और प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। देखो फैराडे ने दो नियम दिया था, एक बाएं हाथ का नियम, एक दाएं हाथ का नियम, दोनों को दोनों बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से। अब जो खंड ब आ गया आपका, देखो क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन बच्चे समझ के नहीं करते हैं, समझोगे नहीं तो हल कैसे करोगे। खंड ब रसायन विज्ञान के, निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी दो, कितनी होती है, दो होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो मैग्नीशियम Mg करती है, ठीक ना। Mg क्या करती है, हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है किसी भी अम्ल में डाल दोगे तो। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोलते हैं जैसे मान लो इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उधर भी क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन हट जाए, यानी कि दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समझ रहे बात को। LHS और RHS का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आपका समीकरण संतुलन में आएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों चढ़ाई जाती है। देखो हम लोग किसी भी लोहे की वस्तु पर चाहे धातु पर कापर और चांदी Ag का क्या करते हैं, हम परत चढ़ाते हैं, इसलिए करते हैं कोरोजन से बचाव के लिए, संक्षारण से बचाव करने के लिए हम किसी भी लोहे की धातु पर क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, समझ गए ना। स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है, और परिशोधित स्प्रिट क्या होती है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं आसानी से। मिथाइल ऑरेंज व फिनाप्तलीन किस प्रकार का सूचक का कार्य करता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि जब लोहे की कील को कापर सल्फेट के बिलियन में डुबोया जाता है तो बिलियन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के वजह से उसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, समझिए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके विरंजन गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका दीर्घ
अब देखो अगला क्वेश्चन, या तो ये वो कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है। कम से कम 5 से लेकर 6 आप विशेषताएं लिख दोगे, आपका नंबर 7 नंबर आप आसानी से पा जाओगे, समझ गए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 6। कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कि मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक इसको बताना है, तो इसको आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, सब क्वेश्चन का जवाब मैं ही नहीं दूंगा, ठीक ना। आप भी जवाब दीजिए, ठीक ना, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी तैयारी कितनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? वर्तिका। क्या होते हैं? वर्तिका। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, तभी देखूंगा कि कौन से बच्चे ने कितना यहाँ पे इस वीडियो को देखा है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन कि F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है एक संकर क्रास में, किसमें? एक संकर क्रास में वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। श्वसन को परिभाषित कीजिए, श्वसन मतलब कि सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ बनता है, इसके बारे में लिखना है। परिवार नियोजन से क्या आप समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार में हम संख्या को हम एक लिमिट तरीके से रखना, परिवार नियोजन होता है, ठीक ना। छोटा परिवार, अच्छा परिवार, ठीक। अमाशय किसे कहते हैं, उनके 3 प्रमुख कार्य बताइए, या आप ये करिए या अथवा करिए कि वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसका नाम लिख दीजिए, बस आप आसानी से 4 नंबर पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किन्हीं 4 हार्मोन के नाम लिखिए, कौन कौन से हार्मोन हैं उनका नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों कौन कौन सी होती है उसके बारे में लिखना है। गर्भ निरोधन की विधियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक ना, तो इसके बारे में भी अपलोड कर दिया जाएगा लेक्चर। देखो ओपायरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करके लिखिए, ठीक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार जरूर कर लेना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। जितना मैं अभी तक तो क्वेश्चन बताया हूँ सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबको तैयार करके जाना, वरना कैसे फोड़ोगे 90%। तो बोर्ड परीक्षा में 90% पार करना चाहते हो तो सभी क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण को आरेखित चित्र द्वारा दर्शाइए, इसका क्या करना है? फिगर बनाना है और इसके बारे में 10-20 लाइन लिख देना है। 1-2 पेज लिख दोगे आप 7 नंबर आसानी से पा जाओगे, ठीक। इस तरीके से आपको पेपर को समझना है, समझ के उसका आंसर लिखना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक ना। पेपर को पढ़िए, फिर उसको हल करिए, बार बार हल करिए, बार बार याद करिए, चीज़ों को दिमाग में रटिए, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो, ठीक ना, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।